नमस्ते, आज हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो हमने आगे के वीडियो में वेक्टर के बारे में बात किया, अब हम स्केलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्केलर क्या होता है? तो जिसका स्केलर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसका डायरेक्शन नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? स्केलर। वेक्टर को क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। स्केलर कहता है कि हमें मार्केट जाना है, पर किस रास्ते से हम मार्केट जाए वो नहीं बताता, लेकिन वेक्टर बताता है कि हमें मार्केट जाना है और पूर्व दिशा से जाना है, इसको वेक्टर। और स्केलर सिर्फ हमें बताता है कि यहाँ जाना है, पर डायरेक्शन नहीं देता है। देखते हैं कि स्पीड है, ठीक है, स्पीड हमें बताते कि ये जो कार है उसकी स्पीड हमें इतनी रख रहे हैं, 50 किलोमीटर पर सेकेंड, बट किस डायरेक्शन में? नदी में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, कहाँ पे? इस नॉट स्केलर से ओनली स्टैंड मैग्नीट्यूड। मास है तो उसका बेस है, फिर वॉल्यूम, टाइम, ओके, ओनली गिव मैग्नीट्यूड, नॉट गिव डायरेक्शन। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। तो वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई यूजिंग टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वेक्टर जो होते हैं उसके दो मीन्स के टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स के ए और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बेसिकली यही कहना चाहते हैं। दिस प्रोडक्ट्स आर द डॉट प्रोडक्ट्स एंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड दे हैव मेनी डिफरेंस, ओके। यहाँ पे अभी तो हम स्केलर वेक्टर के बारे में देने, आगे जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें डॉट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, तो देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, दोनों एक जैसे नहीं है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स के ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, ठीक है। दो वेक्टर लेने होते हैं हमें, इट्स कंपलसरी टू हमें कि दो वेक्टर लेने हैं, ए और बी, और उसे डॉट और क्रॉस कराना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल दैट दे फ्रॉम विद ईच। डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसमें एंगल कौन सा लेंगे हम? कोसाइन एंगल लेंगे। अब देख रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन अ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स इज रिजल्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, वेज द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलता है हमें क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट नो दैट प्रॉपर नोटेशन इज यूज, यू शुड नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, इफ यू सी ए डॉट बिटवीन द टू वेक्टर्स you use dot product, if you see cross you use cross product, this is a quite straightforward। अब आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आप मानो के देख लोगे कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिए गए हैं, ठीक है, ए डॉट बी, तो आप ये नहीं मान लेंगे कि ये स्क्वेलर ही है, और आपको ये ए क्रॉस बी दे तो ये नहीं मान लेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी। तो हमें देखना है कि हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लेते हैं। हम स्क्वायर का जो एग्जांपल है वो क्रॉस से भी काउंट कर सकते, क्रॉस से भी ले सकते हैं और डॉट से भी ले सकते हैं, ठीक है। वो हमें मेजर करना होगा हम किस तरह लेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि डॉट है तो मीन्स स्क्वायर ही होगा, क्रॉस है तो मीन्स हमें क्रॉस है तो सिर्फ यही वेक्टर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा तब पता चलेंगे कि इस स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डॉट एम इन स्केलर ही आंसर होगा, इट्स रॉन्ग। अब देखते आगे कि देन इफ नॉट देन यू शुड आस्क देम क्लेरिफाई देयर इंटेंट, इफ क्लेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल यू माइट बी एबल नो विच वन टू यूज बेस्ड ऑन द सेप द आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन शुड हैव इट यू नॉट इट, ठीक है। मैंने बताया कि उसके जो आउटपुट मिलेंगे उससे हमें पता चलेगा कि इट्स वो डॉट क्रॉस क्या है, स्केलर है, वेक्टर है। ऐसा ही हम उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंशन है जो उससे हमने डिसाइड कर सकते
कि इट्स अ स्केलर और वेक्टर. द डॉट प्रोडक्ट वर्क्स इन एनी नंबर ऑफ डायमेंशन. डॉट प्रोडक्ट किसी भी डायमेंशन में वर्क करे, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, बट द क्रॉस प्रोडक्ट ओनली वर्क्स इन 3D. ठीक है, डॉट किसी पे मैं यूज कर, हमने कहा उसके पास मैग्नेटिक डायरेक्शन है ना, उसे पता ही नहीं कि 1D में यूज करे, 2D में यूज करे, 3D में यूज करे, बट क्रॉस प्रोडक्ट से आई एम ओनली यूज इन 3D. द डॉट प्रोडक्ट मेजर हाउ मच टू वैक्टर्स पॉइंट सेम डायरेक्शन, बट द क्रॉस प्रोडक्ट मेजर हाउ मच टू वैक्टर्स पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. डॉट प्रोडक्ट मेजर करता है टू वैक्टर्स इन अ सेम डायरेक्शन में ही वो मेजर करता है. ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है वो एनी डायरेक्ट. द डॉट प्रोडक्ट मेजर क्या करता है, टू वैक्टर्स पॉइंट सेम डायरेक्शन हो तो क्या होता है, डॉट. बट क्रॉस प्रोडक्ट मेजर टू वैक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं. डॉट इज अ सिमिलर डायरेक्शन में. सो रिमेंबर, डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट, डॉट प्रोडक्ट है क्या तो इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑन वन वेक्टर ऑन टू अदर. ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, वो बस प्रोजेक्शन करता है एक वेक्टर का दूसरे एक वेक्टर का प्रक्षेपण दूसरे वेक्टर पर करता है. ठीक है, विच विल गिव यू स्केलर वैल्यू. It will tell you the length of shadow. If you will project light from one vector to another, you can try it at home. In dark room, use small light source and on two pencil or pen. One, two pencil or pen. ठीक है, कुछ नहीं है कि हमने projection देखा है, projector देखा होता है, उसमें से एक light होती है, वो एक white color के background पर उस पर गिरती है. ठीक है, तो क्या होता है कि वेक्टर ए कौन हुआ, प्रोजेक्टर. वेक्टर बी कौन हुआ, वाइट फ्रेम हुए वो. ठीक है, तो क्या कहते हैं, ए ए का प्रक्षेपण बी पर होता है, बस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, प्रक्षेपण कराते हैं. ठीक है, नाउ दैट व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट गिव यू अनदर वेक्टर विच इज अ परपेंडिकुलर वर्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज होता है, तो क्या परपेंडिकुलर में. ठीक है, इट्स नॉट यूज इन पैरेलल. इन फिजिक्स वी यूज मेनी एरिया नॉर्मल वेक्टर. ठीक है, इन फिजिक्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा स्केलर में भी हम क्रॉस को यूज करेंगे, क्यों नहीं. ठीक है, इवन द एरिया ऑफ अ पैरेलल मेड बाय टू वेक्टर्स गिवन बाय द मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट योर रिजल्ट इज अ नंबर. डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हम ऐसा क्या आएंगे, नंबर में आएंगे. और क्रॉस प्रोडक्ट योर रिजल्ट इज अ वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट हमें, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी डिफाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन. द वेक्टर लिया गया है और उसका एंगल कौन सा लिया है, कॉस. कॉस कौन से डिग्री में, 0 to π, मीन्स के पाई मीन्स 180, 0 से 180 के बीच में इसका थीटा लिया गया. नेगेटिव में नहीं, मीन्स के पॉजिटिव में ही हमें सब कुछ बात करनी है. और ए क्रॉस बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमें प्रूफ करना है. तो देखते हैं कि तो वेक्टर लिया गया है ए और बी. ठीक है, अब आई क्रॉस आई मीन्स के आपको पता है कि ए का एक्स एक्सिस मीन्स के आई, बी का एक्स एक्सिस मीन्स के आई कह रहे. ठीक है, और कॉस थीटा ऐसा लिया गया है, आई और आई तो दोनों एक्स एक्सिस पे, ए भी एक्स एक्सिस पर वेक्टर, बी वेक्टर भी एक्स एक्सिस पर है, तो दोनों एक्स एक्सिस मीन्स क्या हुआ, पैरेलल. पैरेलल का आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो. यहाँ पे कॉस क्या आएगा, जीरो. कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन. सो आई ए आई वन, बी आई वन और कॉस जीरो वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन. ठीक है, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो ए आई इज वन एक्स एक्सिस पर है. ठीक है, इसलिए जीरो लेंगे. अब आगे देखते हैं कि इसलिए ए आई कैरेट आई कैप क्रॉस आई कैप क्या लिया, वन. फिर यहाँ पे जे क्रॉस जे मीन्स के वाई एक्सिस पर दोनों हैं पैरेलल, तो कॉस जीरो लेंगे. यहाँ पे ए क्रॉस बी कॉस जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वन. आई क्रॉस जे मीन्स के एक्स एक्सिस को आई बोलते हैं,
वाई एक्सिस को जे बोलते हैं। तो अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स क्या होगा, कॉस 90। तो कॉस 90 क्या मिलता है, ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब आगे मैंने डायग्राम देखा, ठीक है, कॉस 01, कॉस 90 क्या हुआ, ज़ीरो। टेरेट फॉर कैन बी इजिली प्रूव दैट के दो वेक्टर है ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए है उसके, ठीक है, वेक्टर ए मीन्स के वेक्टर ए लिया गया, ये वेक्टर ए, ठीक है, किस डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशन में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दूसरा वेक्टर बी लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगे, ए 1 2 3, तो यहाँ एक्स को क्या बोलेंगे, ए 1 ए 2 ए 3, ऐसे ही बी 1 बी 2 और बी 3, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स एक्स एक्सिस वाले दोनों ए 1 बी 1 को हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए 2 बी 2 प्लस ए 3 बी 3। आगे देखते हैं वेक्टर ए में क्या लिया, ए 1 आई ए 2 जे ए 3 के हमने देखा है, ठीक है, वेक्टर ए है और वो थ्री डायमेंशन में लिया गया। वी मे यूज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन एंड राइट ए क्रॉस बी एज ए आई एन बी। आइंस्टाइन समेशन का एक कन्वर्जेशन का एक रूल है, वो पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेंगे और वो बहुत डीप है, इसलिए ये सब कुछ जो हमने किया उसके रूल्स में आता है, इसलिए उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आई को ए आई और बी आई। आइंस्टाइन समेशन नोटेशन है, ठीक है, ये देखो ये स्मॉल आई में लिखा गया है और उस पर कोई कैप नहीं है, ओनली स्मॉल आई, एक एक घातांक में, ठीक है, लिखा गया है। अब आगे देखते हैं कि इजिली प्रूव दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों सेम ही है, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी करो या वेक्टर बी क्रॉस ए करो, दोनों सेम ही है। अब हमने वहाँ पे लिखा ए वन बी वन, तो उसके जगह हम रखे बी वन ए वन, तो ठीक है, हम दोनों कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्स एक्सिस पर ही है। और फिर आगे का ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हमें पता है इसका रूल्स क्या है, ए को बी के साथ क्रॉस करना और ए को सी के क्रॉस करना, ये दोनों क्या है, एक जैसा ही है। एक ए वेक्टर को पहले बी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर ए वेक्टर को सी के साथ मल्टीप्लाई, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। यहाँ पे ए एक्स एक्सिस पर होगा तो बी भी एक्स एक्सिस पर होगा, सेम ए एक्स एक्सिस पर तो सी भी एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ पे अब लेते हैं कि एम ए क्रॉस बी, और फिर हम देखते हैं तो क्या होता है कि एम को ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे क्रॉस डॉट नहीं, यहाँ पे क्रॉस आएगा, ठीक है, क्रॉस बी मिलेगा, फिर एम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी क्रॉस में क्या आएगा, वेक्टर ए, ठीक है। ये सारे रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं, हमें आगे भी पढ़ चुके हैं, यही बस है। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इन ए बी आर नॉट ज़ीरो वेक्टर, देन ए एंड बी आर अ परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी ज़ीरो से ज़ीरो है तो मतलब कि वो पैरेलल है, बट इज़ नॉट ज़ीरो वेक्टर देन परपेंडिकुलर, ठीक है, पैरेलल तो ज़ीरो, परपेंडिकुलर तो नॉट ज़ीरो, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि जो आइंस्टाइन समेशन कन्वर्जेशन है, ये बस मैंने आपको यहाँ पे थियरी कुछ बताई, आप देख सकते हैं कि इसका कैसे यूज़ होता है, ये टर्म्स और ये सब कुछ दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।